जय महाकाल फास्ट फूड, दमोह की पहली गाड़ी वाली दुकान अब नए अंदाज में, शिवाजी स्कूल के सामने, सौरभ अग्रवाल, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव आज अल्प प्रवास पर दमोह पहुंचे, सर्किट हाउस में जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, वहीं उनकी एक शख्स से मुलाकात चर्चाओं का विषय बन गई और तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया हैं। इतना ही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जयंत मलैया के निवास भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री का हालचाल जाना और सिद्धार्थ मलैया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। दरअसल सिद्धार्थ मलैया अरुण यादव के आगमन पर उनसे मिलने सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने अरुण यादव से अपने घर चलने का आग्रह किया, जिसके बाद सिद्धार्थ मलैया खुद कार चलाकर अरुण यादव को अपने घर ले आए। अरुण यादव का पूर्व वित्त मंत्री के निवास पर आगमन दमोह नगर में चर्चा का विषय बन गया और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया दोनों ने ही इसे पारिवारिक मुलाकात बताया, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ मलैया खुद कार चलाकर अरुण यादव को अपने घर लेकर आए, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री के बेटे सिद्धार्थ मलैया इन दिनों भाजपा से निलंबित चल रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही दमोह दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने भी पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के परिवार के सदस्य के संपर्क में होने की बात कही थी। वहीं विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी सिद्धार्थ मलैया के कांग्रेस में आने की अटकलें थीं। ऐसे में अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया की मुलाकात चर्चाओं का विषय बनना लाजमी थी। इस मुलाकात के क्या राजनीतिक मायने हैं और क्या इस मुलाकात के बाद दमोह की राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस मुलाकात के बारे में अरुण यादव और सिद्धार्थ मलैया का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं, जैसा अब आप सोचते हैं कि उसके कोई राजनीतिक मायने हैं, पर उसके कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं। वो मेरे सीनियर हैं, उनके छोटे भाई मेरे मित्र हैं, और चूंकि वो दमोह आए हैं तो प्रेम भाव से, स्नेह भाव से उन्हें अपने घर ले आए, और वो बड़ापन भी उनका है कि वो आ गए। उनके पूरे दल बल के साथ सभी का स्वागत था। इसके पहले भी वो दमोह आए हैं, लेकिन आज तक नहीं, वो हमेशा अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में आए हैं। और पहले अगर आपको नहीं बताया तो अब बता देता हूँ कि जितनी बार भी आते हैं तो फ़ोन पर ज़रूर बात होती है, इसलिए वो कोई नई बात नहीं थी। अब उनके ऊपर भी कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ जाएंगे तो क्या खबर बनेगी, हमारे ऊपर भी नहीं है। ऐसी मुलाकातों से राजनीतिक कयास बढ़ जाते हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं, पर राजनीतिक कयास नहीं लगा है तो ज़्यादा अच्छा है। चूंकि सारे लोग साथ में थे, अब मैं किसी एक को बुलाऊंगा तो ये तो स्वाभाविक है कि वो ठीक नहीं लगेगा। सभी दमों के हैं, सभी का आग्रह किया। वो उसके बाद यशपाल भैया के यहाँ बैठने भी गए, वहाँ भी साथ गए, उसमें भी कोई बात नहीं है। जी, मैं जबलपुर से लौट रहा हूँ, मेरे साथी संजय यादव के पुत्र का आकस्मिक निधन हो गया, तो उनसे मिलकर लौट रहा हूँ। और दमों में मेरे पिताजी के बहुत ही पुराने साथी हैं मलैया जी, जिनका स्वास्थ्य खराब था, तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। और
और बस यहाँ से आप भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया जी आपको सर्कट हाउस। सिद्धार्थ मलैया मेरे छोटे भाई हैं और स्कूल के जूनियर हैं मेरे, मेरे भाई के भी दोस्त हैं वो। और मेरा और मलैया परिवार का रिश्ता आज का नहीं 30 साल पुराना है, 40 साल पुराना है हम लोग, तो रिश्ते तो निभाने पड़ेंगे ना। ये रिश्ते इसके पहले कभी नहीं देखे। अब आपने नहीं देखे तो मैं सो कुछ नहीं कर सकता हूँ। कुछ पहले से बदलाव है? कोई बदलाव नहीं, भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मित्रों से मिलना कोई कोई परहेज है क्या? कोई पार्टी में उसमें क्या फर्क पड़ता है? बाकी राजनीति कांग्रेस में आएंगे। सिद्धार्थ मलैया जी जहाँ है मैं समझता हूँ अच्छी अच्छी जगह होंगे, और हम जहाँ हम भी अच्छी जगह हैं। पार्टी को निष्कासित कर दिया गया। अब ये उनका पार्टी का निजी देखिए विचार है उनका, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। आप आए हैं तो क्या चर्चा हुई उनके? मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि वो मेरे दोस्त थे, मलैया साहब बीमार थे, उनसे मुझे मिलना था, मुझे पता चला कि वो भोपाल चले गए तो मैं भोपाल जाके मिलूंगा कल उनसे। समय काल परिस्थिति बदल गई है, कोई सब अपनी अपनी जगह है। And all is well. खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश, पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, उपचार सुविधाएं सभी प्रकार के फ्रैक्चर का आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन, घुटनों एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण, गठियाबात एवं आर्थराइटिस का उपचार, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, जन्मजात हाथ पैरों के टेढ़ेपन का उपचार, मांसपेशियों एवं झंझनाहट का उपचार, घुटना कमर दर्द हाथ पैर में जकड़न चलने में कठिनाई का उपचार। डॉक्टर साहब अजय मेडिकल एजेंसी में प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे। अजय मेडिकल एजेंसी, पता डॉक्टर संगीतानी जी की अस्पताल के पास PG कॉलेज के सामने दमोह में उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें 8718357637354200690।